नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर की मल्हारगंज पुलिस ने फिर एक और ऑनलाइन धोखाधड़ी संबंधित मामला दर्ज किया है, जिसमें युवक को ऑनलाइन लिंक पहुंचाकर उसके अकाउंट से हजारों रुपए उड़ा लिए गए। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। यहां के रहने वाले अभिषेक नामक युवक के साथ फिर एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात हुई है। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि उनके पास 3 अज्ञात नंबरों से कॉल आया था और व्हाट्सएप पर लिंक भेजा गया था। लिंक पर क्लिक करते ही उनके अकाउंट से अलग अलग किस्तों में हजारों रुपए कट गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली और पुलिस ने फरियादी अभिषेक की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। कल थाना मल्हारगंज में अभिषेक पांडे, ये हुकुमचंद कॉलोनी पंचकुया रोड के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इनका ये कहना है कि इनको 3 अज्ञात मोबाइल नंबर से फ़ोन आया था, जिसके माध्यम से इन्होंने व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा था और जब फरियादी ने उन लिंक पर क्लिक किया तो उसके अकाउंट से 3-4 बार में कुल 24,900 रुपये और एक बार फिर 24,900 और उसके बाद 16,989, इस प्रकार से कुल 91,689 रुपये उसके अकाउंट से कट गए। और जिसके बाद में जो है उसके द्वारा ये शिकायत करी गई थी और इसके बाद ये प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और प्रकरण में हम लोग इसमें जो भी इनका CDR एनालिसिस है और इसके अलावा जो जिस बैंक अकाउंट में इनका पैसा ट्रांसफ़र किया गया उसके माध्यम से हम लोग जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कोशिश करें। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।